आज फिरोजपुर में अपनी मांगों को लेकर रोडवेज मुलाजिमों की तरफ से सुबह स्त्री 3 रोजा हड़ताल की जा रही है, जिस कारण बस अड्डा पूरी तरह के साथ बंद कर दिया गया। इस दौरान मुलाजिमों की तरफ से पंजाब सरकार का पुतला फूंककर प्रदर्शन भी किया गया। पत्रकारों के साथ बातचीत करते हड़ताल पर बैठे मुलाजिमों ने कहा कि हड़ताल के दौरान मलेरकोटला में ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्तान के घर की घेराबंदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को कच्चे मुलाजिमों को पक्के करने और ठेकेदारी व्यवस्था को ख़त्म करने की मांग की थी, जो अभी तक सरकार पूरा नहीं कर पाई है। बताने योग्य है कि पनबस्त मुलाजिमों की इस हड़ताल के कारण रोजमर्रा की सरकार बसें में सफ़र करने वाले लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोग बसें न मिलने के कारण अपमानित हो रहे हैं। इस मौके पर पनबस्त मुलाजिमों की तरफ से नारेबाजी करते पंजाब सरकार का पुतला भी फूंका गया। But now